उसका हिम्मत अच्छा इसलिए वो इधर तक आया ना वो। सही बात, इतना दूरी से हम लोग गाड़ी से जहाज जा रहा है, हम लोग पैदल भी नहीं जा रहा है कि नहीं। सही बात, हम लोग भी थोड़े देखने खुशी हो जाए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, प्यारे व्यू, आज का मेरा वीडियो, आज हम बात करेंगे शिहाब भाई को लेकर, और साथ दो वीडियो वायरल होती है। एक वीडियो जिसमें एक हिंदू औरत शिहाब भाई को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए पहुंच जाती है, और दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें एक पंडित जो मंदिर के अंदर बैठकर सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है हिंदू मुस्लिम करके, माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। आज इसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें इंडियन झंडे से बायकॉट करने की बात कर रहा है, और साथ बोलता है कि अपने घरों पर इंडियन झंडा लगाने की बजाय भगवा झंडा लगाओ। अब इस तरह का बयान क्यों देता है, किस वजह से देता है, पूरी तफसील, पूरी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले शिहाब भाई के बारे में बात करेंगे, जो आज भी अपनी हज का सफर जारी रखे हुए हैं, 2 माह से ऊपर हो चुके अपने हज के सफर को जारी रखे हुए हैं, और आज इस वक्त राजस्थान के रायला एक गांव है, वहां से गुजरे हैं, और वहां पर एक हिंदू औरत उसका दीदार करने के लिए, उसको मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो शुरू में आपने वीडियो देखी। देख सकते हैं कि कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो अभी तक कायम है, इन जैसे हिंदू बहन भाइयों की वजह से, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी स्क्रीन पर जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो सिर्फ मंदिर में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ गलत बयान देता है, और किस तरह के बयान देता है इस पर कोई एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे बयान आप लोगों ने इसके सुने हैं, अगर इसी जगह पर इसी तरह के बयान मुसलमान देगा इनके बारे में, इनके धर्म के बारे में, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। आज इसी पंडित की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जो इंडियन झंडा है उससे बायकॉट करने की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि हर हिंदू को अपने घर पर भगवा झंडा लगाना चाहिए, इंडियन झंडा नहीं लगाना चाहिए। अब क्यों इस तरह का बयान देता है, क्योंकि आपको पता है मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि इस 15 अगस्त पर हर इंडियन के घर में झंडा लगना चाहिए, मतलब के इंडिया के हर घर में, जितने भी घर हैं हर घर में झंडा लगना चाहिए। बहुत सारे झंडे तैयार करवाए जाते हैं, ऑर्डर दिया जाता है, जो झंडा नहीं खरीद सकते, जो गरीब है उनको झंडे फ्री में बांटे जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से। अब बायकॉट करने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि बंगाल की एक बहुत बड़ी कंपनी को झंडे बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, अब वो कंपनी मुसलमान की है, इसीलिए झंडे से बायकॉट करने की बात की जा रही है। शुरू में आपने वीडियो देखी किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, अगर इसी जगह पर कोई मुसलमान इस तरह का बयान देगा तो उस पर एक्शन होगा, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, ये जिस तरह के मर्जी बयान देते रहे। और लास्ट में यही दुआ करना चाहता हूं अपने रब से कि जो शिहाब भाई अपने हज का सफर जारी रखे हुए हैं वो जल्दी पाकिस्तान में इंटर हो जाए। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि शिहाब भाई को लेकर भी इसी तरह के, जैसे झंडे से बायकॉट किया जा रहा है, हो सकता है कि शिहाब भाई को लेकर भी इसी तरह के बयान देना शुरू कर दे। उससे पहले अपने रब से दुआ है कि शिहाब भाई पाकिस्तान आ जाए, शिहाब भाई के साथ हमारा रब है, हमारा रब उसकी हिफाजत करेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस पंडित के बारे में आपकी क्या राय है, जो इंडियन झंडे से बायकॉट करने की बात कर रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और इस पर कोई एक्शन होगा, इस बयान पर इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी एक वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।